गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी कंप्लीट आवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड टुडे वी स्टार्ट आवर सिक्स्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. नेम ऑफ द चैप्टर इज एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, कि वायु दाब जो होता है, जो वातावरण के अंदर जो दबाव होता है हवा का और हवाएं. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर, कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं. हमने सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ा था एटमोस्फियर, जिसके अंदर हमने वातावरण के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में. अब हम उसका तीसरा फैक्टर, और उस सेकेंड चैप्टर में क्लाइमेट एंड वेदर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ टेम्परेचर, मीन्स किसी स्थान का जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा था. और आज हम पढ़ेंगे कि जो वायुदाब होता है वो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं. फर्स्ट है टेम्परेचर. एयर राइजेज अपवर्ड व्हेन इट गेट्स हीटेड एंड शिंक्स डाउन व्हेन इट गेट्स कूल, कि जो सबसे पहला कारक क्या है कि तापमान प्रभावित करता है, क्योंकि वायु उठती है, राइजेज अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठती है व्हेन इट गेट्स हीटेड, कि जब वो गर्म होती है, और शिंक्स डाउन और ठंड नीचे बैठती है जब वो ठंडी होती है. लो प्रेशर होता है तो राइजिंग एयर होता है, और हाई प्रेशर होता है तो सिंक्स डाउन कूल एयर होता है. मतलब जहाँ पे ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा वातावरण में ही रहती है, वो ऊपर नहीं उठती, तो वहाँ पे वायु ज़्यादा होती है. जबकि जो लो प्रेशर होता है, मतलब जो गर्म वायु होती है, वो गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाती है और वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, वहाँ पे वायु का दबाव कम हो जाता है. सेकेंड है एल्टीट्यूड. प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम जो गर्म हवा होती है वो ऊंचाई पे चली जाती है, और ऊंचाई पे जाने से वहाँ पे वायुदाब कम होता है. तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई. तो जहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे कि मतलब कि जो एल्टीट्यूड है, जो गर्म वायु उठ के ऊपर जाती है, तो वहाँ पे वायु का दबाव कम होता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमोस्फेयरिक प्रेशर इज कॉल्ड ए बैरोमीटर, कि जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए करते हैं उसको कहते हैं बैरोमीटर, और इसकी यूनिट है मिलीबार. प्रेशर बेल्ट्स, टू टाइप ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, लो प्रेशर बेल्ट्स एंड हाई प्रेशर बेल्ट. मतलब लो प्रेशर बेल्ट मतलब कि वायु गर्म होगी और गर्म होके ऊपर उठेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट होगी वो. हाई प्रेशर बेल्ट जहाँ पे ठंडा तापमान, मतलब कि तापमान जहाँ पे कम होता है वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होती है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होती है. अब है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये सबसे पहली बेल्ट है, 5 degree north टू 5 degree south, डोल्ड्रम्स. क्या कहलाती है ये, डोल्ड्रम्स कहलाती है, और ये 5 degree north टू 5 degree south होती है. सेकंड है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, कि सब ट्रॉपिकल मतलब कि 30 degree north और 30 degree south पे जो होती है वो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे तापमान थोड़ा, देखो यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर धूप, मतलब सन की जो रेज होती हैं वो ज़्यादा पड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हवा है वो ऊपर चली जाएगी उठ के, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा. फिर वो विंड्स आगे जाएंगी, जब हवा ऊपर उठेगी तो वापस जब वो ठंडी हो जाएगी ऊपर जाने के बाद, तो वो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में पहुँच जाएगी, 30 degree north टू 30 degree south. इसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं. अब है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये कहाँ पे होती है, ये 60 degree north एंड 60 degree south होती है, कि जब ये जो वायु है ये ठंडियों के नीचे आ जाएगी, या जो ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, कि मतलब यहाँ पे वायु जब वापस आएगी तो गर्म होके दोबारा से उठ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, फिर से प्रेशर कम हो जाएगा. ये 60 degree north एंड 60 degree south होता है.
अब है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और जो पोलर रीजन है वहां पे कौन सी बेल्ट होती है, हाई प्रेशर बेल्ट होती है, क्योंकि ये रीजन्स कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। अब जो ये रीजन्स होते हैं इनके अंदर हवाएं चलती हैं, तो कौन कौन सी हवाएं चलती हैं, प्लेनेटरी विंड्स। अकॉर्डिंग टू फेरल लॉ, विंड एंड वाटर गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड टू लेफ्ट इन साउथर्न हेमिस्फीयर, कि फेरल के नियम के कोरोलिस नियम या फेरल के नियम के अनुसार जो पानी और वायु है वो क्या करती है, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें तो राइट की तरफ टर्न करती है। देखो ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये अपनी इक्वेटर है, तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके अंदर तो किस तरफ चलेगी, राइट साइड में चलेगी हमेशा, ठीक है, और जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब वेस्ट की तरफ चलेगी, ठीक है। थ्री परमानेंट विंड सिस्टम, ट्रेड विंड्स, कि जो ये प्लेनेटरी विंड्स हैं ये परमानेंट विंड होती हैं और इसके अंदर थ्री विंड्स होती हैं। फर्स्ट है ट्रेड विंड्स टुवार्ड्स इक्वेटर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ हेमिस्फीयर साउथ ईस्ट, क्रिएशन ऑफ हॉट डेजर्ट लाइक सहारा, कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो कहाँ पे चलती हैं, इक्वेटर के साथ साथ चलती हैं। ये देखो ये जो हवाएं हैं नॉर्थ टू वेस्ट इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, और साउथ में साउथ ईस्ट, और ये यहाँ पे क्या करती हैं, जो सहारा डेजर्ट है उसका निर्माण करती है। सेकंड होती है वेस्टर्लीज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ब्लो इन साउथ वेस्ट, इन साउथ हेमिस्फीयर ब्लो इन नॉर्थ वेस्ट, कि ये जो होती हैं ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये वेस्टर्लीज कहाँ चलती हैं, जो अपना मॉडरेट जो टेम्परेट जोन है ना वहाँ पे चलती हैं ये, तो यहाँ पे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसमें तो चलती है साउथ वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ वेस्ट से चलती हैं, और जो अपना साउथ हेमिस्फीयर है उसमें चलती है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है यहाँ पे कुछ जो लैटिट्यूड्स पे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो 23 डिग्री 1/2 डिग्री तक ही होता है, और ये होता है 66 1/2 डिग्री तक, तो 40 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है उस पे कहते हैं रोरिंग 40s, इनका नाम है ये। 50 डिग्री लैटिट्यूड्स पे बोलते हैं फ्यूरियस 50s, और 60 डिग्री लैटिट्यूड पे बोलते हैं स्क्रीचिंग 60s। जिन पवनों के बारे में, जिन विंड्स के हम बारे में पढ़ रहे हैं, वो परमानेंट विंड हैं और ये हमेशा अपनी एक ही दिशा में चलती रहती है। अब थर्ड है पोलर विंड्स, जो पोलर एरिया में चलती है, इन साउथ हेमिस्फीयर ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट, इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ये देखो डायग्राम है प्लेनेटरी विंड्स का, कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो ऐसे चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चल रही हैं नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और ये चल रही है पोलर ईस्टर्लीज, और ये फिर दोबारा से साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, तो इनको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, और ये होती हैं ट्रेड विंड्स। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, वी कंटिन्यू आवर other topics of this chapter in next class. Thank you.